हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग ब्लॉग। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट एमसीक्यू ऑफ जनवरी 2021 और ये हमारा पार्ट वन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बहुत सारे एग्जाम हैं, लाइक आरबीआई अटेंडेंट है, एसबीआई अप्रेंटिस है, तो हम आपको पता है कि जीए एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारा ये मोटो होना चाहिए कि हम ओवरऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का ये मोटो होना चाहिए कि ओवरऑल हम लोग प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर आपको जीए पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ओके, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ए टॉप 80 बेस्ट एमसीक्यू ऑफ जनवरी 2021, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड थ्रू द रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अनाउंस्ड बाई आरबीआई इन अ डिस्कशन पेपर रिलीज्ड इन जनवरी 2021, ओके। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बेनिफिट मिलेगा रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने अनाउंस किया है उसकी वजह से, ठीक है। और ये इन अ डिस्कशन पेपर, ये रिलीज कब हुआ था, जनवरी 2021 में। तो आंसर क्या है इसका, एनबीएफसी। सो इससे कौन बेनिफिट होगा, किसे बेनिफिट मिलेगा, एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। तो आप इसे समझें कि, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लुक गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट ही टाइम में आपको पैनिक होने की या मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई भी इशू होता है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग उसे ज़रूर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप इसे फिर से प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इसमें कुछ समझने की तो बात है नहीं, आपको जीए पढ़ना है और इसे याद करना है। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड थ्रू द रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अनाउंस बाय आरबीआई, सो यू हैव टू आंसर एनबीएफसी, ठीक है, आपको एनबीएफसी आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज नेम्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन का की वर्ड क्या है, लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, बाय फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो ये क्या है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE। तो ये इसमें आपका कीवर्ड हो जाएगा कि लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आपको आंसर डायरेक्ट कर देना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट वाज द थीम ऑफ 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021। वर्चुअली ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, वर्चुअली आपको पता है, मतलब कि जैसे कि अभी रियल में नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना वायरस की वजह से, तो कोई भी चीज़ अभी वर्चुअली हो रहा है। जैसे हम लोग जब वीडियो कॉलिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल, क्योंकि आप कहीं और बैठे हो और आप जिससे बात करो वो कहीं और है, ठीक है, लेकिन आप लोग बात करो, दैट्स वर्चुअल, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि थीम क्या थी, ठीक है, थीम क्या थी 15th इंडिया डिजिटल समिट की। तो आपको ये इतना देखना भी नहीं है, आपको ये देखना है कि डिजिटल समिट जो हुआ था उसका 15th था पहले, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा था, तो आपको 15th आंसर करना है। और थीम पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या करना है, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। सो क्वेश्चन है कि 15th इंडिया जो डिजिटल समिट था उसका थीम क्या था, ठीक है, और ये कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके बारे में ये डिटेल्स दिया हुआ है कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, देन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो आप होप यू गाइज अंडरस्टैंड, और आप इसे लुक गाइज, जब आप लोग नोट्स बनाओ तो आप मेक श्योर करो कि आप कुछ कीवर्ड्स के थ्रू करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया है, ठीक है। तो आप इसका तो यहाँ पे आपने याद कर लिया कि 15th इंडिया डिजिटल समिट वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड, तो आंसर है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन जब आप अपने कॉपी में नोट्स बनाओ तो आप क्या लिखो कि 15th इंडिया डिजिटल समिट, एंड उसे थीम करके लिख दो वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको, आपके माइंड में जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम टाइम पे, तो वो आपके माइंड में क्विकली आएगा, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड। तो आंसर क्या है, पराक्रम दिवस 23rd जनवरी।
नाउ टेल मी कि किसके किस किनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है? ओके, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये जो फर्स्ट पराक्रम दिवस है ये किनके जन्म दिवस के ये में मनाया गया है। ठीक है, इसके बेसिस पे एक ट्रेन का नाम भी चेंज किया गया था, तो आप वो ट्रेन का नाम भी बताएं मुझे कि वो कौन से स्टेट में वो ट्रेन का नाम चेंज किया गया और उस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों ये डे में क्वेश्चन आ सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको आंसर क्या करना है, 23 जनवरी 2021। ठीक है, मतलब आपको ये 23 जनवरी याद रखना है, और ये 2021 इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मनाया गया और ये फर्स्ट है। ऊपर से ये, चलिए मैं बता देती हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ठीक है, आप मुझे बताएं लिखकर कमेंट बॉक्स में कि कौन से ट्रेन का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। ठीक है, तो ये 23 जनवरी को होता है, होगा आज के बाद से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट, रिसेंटली जनवरी 2021 में, ओके, होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है लॉन्च्ड स्कीम प्रोवाइडिंग फुल बेनिफिट्स ऑफ द एबी अटल वाजपेयी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY टू द पर्सनल एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द आर्म्ड विंग्स। ठीक है, तो आप ये, मतलब ये है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है, ठीक है, स्कीम को, जिससे किन्हें बेनिफिट्स मिलेगा, ये बेनिफिट्स मिलेगा, बेनिफिट किन्हें मिलेगा, जो आर्म्ड विंग्स हैं उन लोगों को और उनके डिपेंडेंट्स को, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये कौन सा है स्कीम, ठीक है, ये कौन सा स्कीम है? तो ये स्कीम है आयुष्मान CAPF। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा लाइक कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है जो स्कीम, उसका नाम क्या है जिससे पर्सनल आर्मी पर्सनल को और उनके डिपेंडेंट्स को प्रॉफिट होगा। आपको आंसर करना है आयुष्मान CAPF। एंड मेक श्योर कि आप लोग नोट्स बना रहे हो, इसे आप याद करो, एक बार रिवाइज करो, एंड आफ्टर दैट आप इनके की वर्ड्स को लिख कर उससे नोट्स प्रॉपर बनाओ। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, तो वेयर वाज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? सो पणजी, गोवा। वैसे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे मनाया जाता है, तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप ये तुक्का मार सकते हो कि पणजी गोवा ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सा वहाँ था, तो ये 51st था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया, देन यू ऑल हैव टू आंसर गोवा, पणजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वोन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन द 51st IFFI अवार्ड्स। अभी हमने देखा कि ये कहाँ हुआ था, गोवा में। ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा, तो ऐसे ही आप लोगों को लिंक करके याद करना, जैसे ये फिर से एक क्वेश्चन आया तो आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि ओके हाँ ये गोवा में हुआ था, लेकिन इसमें पीकॉक अवार्ड किसने जीता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये पीकॉक अवार्ड जीता है इनटू द डार्कनेस ने। ठीक है, तो विच फिल्म वोन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड, सो यू हैव टू आंसर इनटू द डार्कनेस। तो आर करेक्ट आंसर इज 4, इनटू द डार्कनेस। एंड ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, गोवा में, कौन सा हुआ था, तो 51st था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, सो विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडियन एयर फोर्स इन द फर्स्ट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 हेल्ड एट जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इंडियन एयरफोर्स के साथ, और ये जो एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है, डेजर्ट नाइट 21। सो यू हैव टू आंसर फ्रांस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्रांस के साथ जो इंडिया ने अभी एक एक्सरसाइज किया था उसका नाम क्या है, तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा, डेजर्ट नाइट 21।
ठीक है, आप क्या आंसर करोगे? डेजर्ट नाइट 21। तो आपके माइंड में कैसे क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही आप देखो कि डेजर्ट नाइट 21 है तो आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए फ्रांस एंड इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी ही होनी चाहिए याद करने की। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टेबलेक्स इन अ रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि कौन सी फीमेल फाइटर जेट पायलट है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स से, फाइटर जेट पायलट है तो इंडियन एयरफोर्स से ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट जो किया था, ये फर्स्ट फीमेल बनी है। तो आपको आंसर क्या करना है? इसका आंसर हो जाएगा भावना कांत। तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही आप देखो कि रिपब्लिक डे परेड है, आपको आंसर करना है भावना कांत। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो विच कंट्रीज ट्राई सर्विस फोर्स कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन इंडिया 72nd रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री का जो ट्राई सर्विस फोर्स है, ट्राई सर्विस जैसा हमारे यहाँ भी है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, तो इसे ट्राई बोलते हैं। ठीक है, ट्राई सर्विस फोर्स किस कंट्री का हमारे रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था? तो आंसर क्या होगा गाइज? बांग्लादेश। ठीक है, और ये इंडिया का कौन सा रिपब्लिक डे परेड था? तो 72nd, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इस बार हमने 72nd रिपब्लिक डे मनाया है और इसमें बांग्लादेश की जो भी ट्राई सर्विस फोर्सेस थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो आप इसे ऐसे रखें याद कि जैसे कि 72nd रिपब्लिक डे में कौन सी अदर कंट्री के फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था, तो आपके माइंड में जस्ट आना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से फॉरेनर हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2021 का। ठीक है, तो ये कौन है? शिंजो अबे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये जापान के पहले पीएम थे, अभी ये हट गए हैं। तो यहाँ पे अभी कौन है जापान के पीएम? योशिहिदे सुगा। ठीक है, आप सुगा से याद रख सकते हो कि जापान के पीएम अभी सुगा हैं, लेकिन ये जापान के फॉर्मर पीएम हैं और इन्हें ही पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2021 का। ठीक है, तो जैसे ही पूछा जाए कि फॉरेनर कौन है जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2021 का, तो आपको डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए शिंजो अबे, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ अभी ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और अब वहाँ पर बने गए हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रखें। ठीक है, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कौन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? स्मृति ईरानी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मिनिस्टर किस पोस्ट पे हैं, तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? साइन एन MOU विद मिसेज निसेनकेन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, विच कंट्री विल इम्पोर्ट इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस MOU। ठीक है, तो जैसा कि क्या है कि ये जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है इन्होंने एक MOU साइन किया है, तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के साथ ये MOU साइन हुआ है। तो ये कंट्री है जापान। ठीक है, ये कंट्री कौन सी है? जापान। तो स्मृति ईरानी और जापान के जो जापान के बीच में एक MOU हुआ है कि हम लोग टेक्सटाइल प्रोडक्ट को वो लोग इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जापान इंपोर्ट करेगा, तो जैसे ही टेक्सटाइल आए और बात आए कि वो लोग इंपोर्ट करेंगे इंडिया से, तो जापान होगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और जो शिंजो अबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें मिला है पद्म विभूषण अवार्ड 2021 इंडिया का। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके याद करें। ओके गाइज, लुक गाइज, मेरा भी मोटो यही है कि आपको अभी के अभी ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें और इसे याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द वर्स्ट हिट कंट्रीज ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एज पर द 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का रैंक
क्या है, जो वर्स्ट हीट कंट्रीज है, जो जो भी वेदर से जो भी रिलेटेड जो भी अभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं उसकी वजह से इंडिया का, इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, बाकी सारी कंट्रीज में भी होते हैं, तो इंडिया का रैंक पूछा जा रहा है। तो इंडिया का रैंक क्या है? 7th। ठीक है, तो जैसे ही आपसे पूछा जाए कि इंडिया का रैंक क्या है वर्स्ट हीट कंट्रीज वेदर की वजह से, तो आपको आंसर क्या करना है? 7th। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया है फ्रेमवर्क, ठीक है, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो आंसर क्या होगा? RBI। ठीक है, तो अगर कोई आपके माइंड में होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज किसने किया है, तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए RBI। ठीक है, RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विथ CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड टू लॉन्च EMI सर्विस दैट अलाउज बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स टू कलेक्ट EMIs at CSE across India। तो मैं पहले आपको इसे समझा देती हूँ, ठीक है, ये क्या है। तो एक बैंक है, ठीक है, इसका आंसर होगा HDFC। ठीक है, सो HDFC ने क्या किया है कि CSE के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों, क्या करेंगे ये लोग, ये लोग EMI, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है उस सर्विस को लॉन्च करेंगे, ताकि वो दैट अलाउज बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स जो हैं कि आप वो किसी भी CSE से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसने किया है, ये HDFC ने किया है। इन अ नटसेल मैं आपको बताऊं तो EMI फैसिलिटीज से रिलेटेड जो अभी CSE में हुआ है उसे आप डायरेक्ट, अगर ऐसे आपको ये याद रखना है तो वो जब भी ऐसा आए क्वेश्चन आपको आंसर करेंगे आप HDFC ने किया है EMI के लिए CSE के साथ किसने किया है, तो HDFC ने किया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज इंडियाज रैंक, यहाँ पे फिर से है इंडिया का रैंक इन द 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी रिलीज, ये रिलीज कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो आंसर होगा 86। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाएगा करप्शन में इंडिया का रैंक कितना है, 86, और ये कौन रिलीज करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन कम लाइक हु रिलीज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें जो फर्स्ट रैंक जिसे मिला है वो है न्यूजीलैंड को। ठीक है, इंडिया का रैंक 86 है और फर्स्ट पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। ओके, सो अब इंडिया का रैंक 86 है और फर्स्ट पे न्यूजीलैंड है, और इसे रिलीज कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है और आप इसे भी याद रखें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, विच बैंक पार्टनर्ड विथ स्टार्स फिन टू लॉन्च अ को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड। तो आपको ये सब कीवर्ड्स होते हैं गाइस, आपको इन सबको ध्यान देना है। लाइक स्टार्स फिन के साथ किसने किया है प्रीपेड कार्ड के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, SBM बैंक। ठीक है, आंसर है इसका SBM बैंक, लेकिन हम लोग इसे अच्छे से देखते हैं। तो इससे होगा क्या, ये इनेबल करेगा, डैट इनेबल्स कस्टमर टू टेक ओवर ड्राफ्ट लोन अप टू 5 लाख। ओके, तो SBM बैंक ने स्टार्स फिन के साथ किया है पार्टनरशिप, इसमें ये लोग ओवरड्राफ्ट लोन ले सकते हैं 5 लाख के लिए। तो जैसे ही ओवरड्राफ्ट 5 लाख स्टार्स फिन ये हो, आपको SBM बैंक याद आना चाहिए और स्टार्स फिन याद आना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रीपेड कार्ड है। ओके, जिससे आप ओवरड्राफ्ट लोन ले सकते हैं 5 लाख रुपीज तक। ठीक है, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और आप अगर इसे कुछ भी प्रॉब्लम है आप इसे एक बार और रिपीट करके देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। आफ्टर दैट आप इससे नोट्स बना लीजिए, फिर से जब एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2020 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का हेल्थ इंडेक्स में
क्या है रैंक? तो इंडिया का रैंक है 10th. ओके, इंडिया किस नंबर पे है? 10th पे है. तो आपको याद रखना है, जैसे ही आए क्वेश्चन कि हेल्थ इंडेक्स में इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, ये एशिया पैसिफिक में है, ठीक है? तो इंडिया का रैंक है 10th. ओके, और फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर है, क्योंकि यहाँ पे एशिया पैसिफिक की बात हो रही है, तो फर्स्ट पे सिंगापुर है. और इंडिया का रैंक पूछा जाएगा तो 10th पे है. बेसिकली तो आपको याद रखना है कि इंडिया का रैंक, लेकिन टॉप 1 पे कौन है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो है सिंगापुर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो इन जनवरी 2021 यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्राइवरलेस मेट्रो का. ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने अनवील किया है. अनवील मींस क्या होता है? अनवील मींस इनॉग्रेट करना कह सकते हैं, कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना. व्हील मींस होता है कि छुपा हुआ, अनवील मतलब उसे स्टार्ट करना, उसे ओपन में लाना. तो ये क्या हुआ है कि राजनाथ सिंह ने अनवील किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस. अब ये देखिएगा, इस इंडिजिनस, तो इंडिजिनस मींस क्या होता है? देसी, जो खुद का बनाया हुआ है. आप, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको अपने वर्ड्स को भी, इंग्लिश वर्ड्स पे आप थोड़ा ध्यान देगा इस, ठीक है इस. और अगर आप तो इंडिजिनस है, ठीक है, इंडिजिनस मींस देसी, जो घर का बना हुआ है, ठीक है. और ये क्या है? ड्राइवरलेस मेट्रो कार. तो एट द BEML मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये बना है, BEML में, ये जो कहाँ है? बेंगलुरु में है. और ये विच मेट्रोपॉलिटन रीजन विल बी द फर्स्ट टू अवेल इट्स सर्विसेज? तो कौन सा हो जाएगा ये? ओके, मुंबई. ठीक है, तो ये क्या है कि राजनाथ सिंह ने अनवील किया है फर्स्ट इंडिजिनस ड्राइवरलेस मेट्रो कार. तो आपको यह याद रखना है कि जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो कार की बात आए और ये पूछा जाए कौन से मेट्रोपॉलिटन रीजन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई. ठीक है, और ये क्या है? ड्राइवर, और इसे किसने रिलीज किया है? तो राजनाथ सिंह ने. ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राजनाथ सिंह. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो विच स्टेट रिसेंटली गॉट इट्स डॉपलर वेदर रडार दैट वॉज इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन द 146th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन जनवरी 2021. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि कौन से स्टेट को डॉपलर वेदर रडार मिला है? आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि जैसे ही डॉपलर वेदर रडार आए और फर्स्ट स्टेट पूछा जाए, आपको आंसर क्या करना है? उत्तराखंड. ठीक है, इसका आंसर क्या है? बाकी तो ये आप पढ़ सकते हो कि इसे इनॉग्रेट किया है हर्षवर्धन ने 146th फाउंडेशन डे पे. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट डॉपलर वेदर रडार ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में. और इसके अगर हम CM की बात करें तो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसके गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य. तो आप ये भी मेक श्योर करें कि जब भी आप पढ़ें स्टेट, तो एक बार के लिए आप उनके CM और गवर्नर का नाम रिवाइज कर लें, ताकि आप इसे ना भूलें. और डॉपलर वेदर रडार जैसे ही आए, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें लिखें और इसके सामने लिखें उत्तराखंड. ओके, नेक्स्ट. ओके गाइस, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असेट मैनेजमेंट कंपनी रिसेंटली बिकेम अ सिग्नेटरी टू क्लाइमेट एक्शन 100+ टू अचीव द पेरिस अग्रीमेंट्स गोल इन जनवरी 2021. ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसे रिसेंटली सिग्नेटरी टू क्लाइमेट एक्शन बनाया गया है 100+ में टू अचीव द पेरिस अग्रीमेंट्स गोल. ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है? तो ये है कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी. ठीक है, ये अचीव करने के लिए पेरिस अग्रीमेंट गोल में इसे सिग्नेटरी बनाया गया है. तो ये कौन सा है? ये है कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी, और इसके हेड कौन है? उदय कोटक है. ठीक है, इसके हेड है उदय कोटक. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द 2-day वर्चुअल इवेंट प्रारंभ. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्रारंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसी से ही याद कर सकते हैं कि ये प्रारंभ जो है, ये कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के लिए. ओके, तो ये है बिम्स्टेक. इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिम्स्टेक. तो आप क्या करो, बिम्स्टेक के सामने लिख लो प्रारंभ. ठीक है,
इसके सामने आप लिख लो प्रारंभ। सॉरी गाइज फॉर माई हैंड राइटिंग, एक्चुअली इट्स नॉट दैट मच ऑफ बैड। एनीवेज हाँ, तो आप बिमस्टेक के सामने क्या लिख लो प्रारंभ, या प्रारंभ के सामने बिमस्टेक लिख लो। जब भी आपके सामने ये प्रारंभ वर्ड आए तो आपको आपके माइंड में सडनली आपके माइंड में क्विकली आ जाएगा दैट द आंसर विल बी बिमस्टेक। ओके, तो ये वर्चुअल इवेंट था प्रारंभ, और इसमें कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो बिमस्टेक की जो भी कंट्रीज हैं उसने, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊँ तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन, ठीक है। आप इसे हाँ एंड कोऑपरेशन, ठीक है, इको कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ RBI's द कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है गाइज, इसमें क्वेश्चन क्या है कि RBI के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर कौन बने हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको RBI के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर विल बी NS विश्वनाथन। किन्हें अपॉइंट किया गया, NS विश्वनाथन को, आर आंसर इज वन, ठीक है। तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ RBI's कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर, तो आंसर क्या हो जाएगा, NS विश्वनाथन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आज आपको पता है आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और आरबीआई के जो भी डिप्टी गवर्नर हैं राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हैं और वो कौन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डेटा प्रोवाइडेड थ्रू द लासी LASI वेव वन रिपोर्ट, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे, ये इंडिया का पहला सर्वे था और वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, मतलब सबसे बड़ा सर्वे था ये, ठीक है, ऑफ इट्स काइंड। ऐसा इस टाइप का पहला ऐसा सर्वे है जो इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है सर्वे। डेट वॉज वर्चुअली रिलीज बाई यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन, और इसे रिलीज किन्होंने किया था, हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है गाइज। तो इसका आंसर क्या है, एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि ये व्हाट वाज द डेटा प्रोवाइडेड थ्रू द लासी वेव वन रिपोर्ट 2020, तो ये कौन सा डेटा प्रोवाइड किया गया था, ये एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में ये डेटा प्रोवाइड किया गया था, और ये पहला इंडिया का है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। इसे लॉन्च किसने किया था, रिलीज किसने किया था, हर्षवर्धन जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो व्हेन वाज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब, तो वॉर ऑर्फेंस डे कब मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को, ठीक है गाइस। तो व्हेन वाज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस ऑब्जर्व्ड, तो आपको याद रखना है वॉर ऑर्फेंस डे कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, 6 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो RBI ने अनाउंस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ LEI फॉर ऑल ट्रांजेक्शन वर्थ 50 करोड़, यानी कि 50 करोड़ का जो भी ट्रांजेक्शन है और उससे ऊपर का एंड एवव अंडरटेकन थ्रू RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड NEFT, ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2021। व्हाट डज LEI स्टैंड फॉर, तो बेसिकली आपसे ये फुल फॉर्म पूछा गया है कि LEI का क्या मतलब है, जो कि RBI ने अनाउंस किया है कि अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो ये आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। सो गाइस क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि LEI में ई का मतलब क्या है, तो वहाँ पे बहुत सारे लाइक इक्विटी एंटिटी इस तरह से दिया रहेगा, आपको आंसर करना होगा एंटिटी, ठीक है। तो LEI और लुक गाइस जो भी बैंक से रिलेटेड कोई भी फुल फॉर्म और बेसिकली अगर कोई नया आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। और ये कब यूज होगा, अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन होता हो तो, ठीक है। इसे किसने अनाउंस किया है, तो इसे RBI ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन, एक सेकेंड गाइस, हाँ, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कॉलिशन फॉर एपिडेमिक
प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन लेबोरेटरी, ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने किया है। तो ये इनॉग्रेट किया है इन्होंने कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन लेबोरेटरी। तो ये कहाँ किया गया है, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेट किया है एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन लेबोरेटरी लैब। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये, फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर ABPMJAY अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल इंडियावर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, ABPMJAY में। तो आपको आंसर करना है बजाज अलायंस। तो जैसे ही क्वेश्चन में आए कि ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ ABPMJAY में हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कवरेज के लिए, आपको आंसर क्या करना है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक रिसीव्ड 5500 करोड़ इन जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ ये जीरो कूपन बॉन्ड है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स रिकैपिटलाइजेशन ऑन जनवरी 2021। तो ये क्या होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब हम लोग स्टैटिक जीए जो चल रहा है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि विच बैंक रिसीव्ड 5500 करोड़ इन जीरो कूपन बॉन्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये कौन सा बैंक है जिसने ये रिसीव किया है, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, किस लिए, तो रिकैपिटलाइजेशन ऑन जनवरी, रिकैपिटलाइजेशन के लिए जीरो कूपन बॉन्ड 5500 करोड़ का किसे मिला है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक को। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ सैनिटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन। सैनिटेनियल मीन्स गाइज आपको पता है क्या होता है, 100 ईयर्स, ओके, क्या है ये, 100 ईयर्स। तो ये 100 ईयर्स का ऑब्जर्विंग स्टेशन का किसे मिला है स्टेटस, तो ये है पटना, ठीक है, ये किस स्टेशन को मिला है, तो पटना को मिला है। ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे मौसम से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती है उसे कहते हैं, यहाँ 100 ईयर्स का ये मिला है पटना को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द 40th इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू फ्रॉम द मोरमुगाव पोर्ट गोवा। तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। तो इंडिया ने फ्लैग ऑफ किया है 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका के लिए, ठीक है, कहाँ से, मोरमुगुआ पोर्ट गोवा से। तो गोवा से ये कहाँ तक जाएगा, अंटार्कटिका तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है, तो 4th जनवरी को, ये तो आपको पता है, पता होना चाहिए। ब्रेली डे मीन्स जो ब्लाइंड लोग हैं उनका, ये वो लोग जो पढ़ते हैं जिस तरह से, वो ब्रेली डे होता है, तो ये 4th जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है गाइज। लुक, अगर आपको याद नहीं भी हो रहा, आप फिर से इसे रिपीट करके देखेंगे तो आई एम कम्प्लीटली श्योर कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसे एक नोट्स बना लें और फिर उसे रिवाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, और हाँ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है गाइज, ताकि हम लोग ऐसे ही रोज़ आपके लिए वीडियोस ला सकें, ठीक है। तो आप इसे प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आ रहा हो देन लाइक ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म बींग कंस्ट्रक्टेड एज ऑफ जनवरी। तो क्या है कि वैसे तो ये इंडिया का भी लॉन्गेस्ट है और ये वर्ल्ड का भी सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, तो ये हुबाली रेलवे स्टेशन पे बन रहा है, और इसका नाम भी चेंज किया गया है गाइस। तो हाँ, इसका नाम सिद्धार्थ रौदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो अगर आपको हुबाली आए या फिर सिद्धार्थ रौदा स्वामी जी आए,
तो आपको आंसर यही करना है। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बना है, तो ये कर्नाटका के हुबाली रेलवे स्टेशन पे बना है, जिस रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे बना है, और जिसका नाम चेंज करके अब सिद्धारोदा स्वामी जी स्टेशन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ वोन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन द एनुअल इवेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, अर्बन। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्टेट है जिसने आवास योजना में बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बेस्ट काम किया है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। ये क्या है, अर्बन, ठीक है, अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड मिला है, तो आपके माइंड में आना चाहिए यूपी, ठीक है। तो यूपी को मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यानी सबसे अच्छा काम अगर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में किसने किया है, तो यूपी ने किया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। ओके गाइज, सो नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड, ये बेसिकली अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है गाइज। ओके, अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बन गए हैं, अब सुनीत शर्मा बन गए हैं, ठीक है गाइज। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है गाइज, ठीक है, इसे हम स्टार लगा सकते हैं, हाँ। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या है कि नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं रेलवे बोर्ड के, तो आपको क्या आंसर करना है, सुनीत शर्मा। और इससे पहले कौन थे, विनोद कुमार यादव थे, ठीक है, ये फर्स्ट सीईओ थे रेलवे बोर्ड में, जो फर्स्ट सीईओ बने थे वो विनोद कुमार यादव थे, और इन्होंने क्या कि इन्हें अभी इंजीनियर्स अवार्ड भी मिला है, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंजीनियर्स अवार्ड किसे मिला है, तो आप वीके यादव करोगे, ये फॉर्मर सीईओ थे, और अभी रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बन गए, सुनीत शर्मा बन गए। ओके, ठीक है, अजय त्यागी आपको पता होना चाहिए ये कौन है, सेबी के हेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये है विच बैंक पार्टनर्ड विथ रुपे, के साथ किसने पार्टनरशिप किया है, तो रुपे POS के लिए किसने किया है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, RBL। क्वेश्चन क्या है कि विच बैंक पार्टनर्ड विथ रुपे टू लॉन्च रुपे POS, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल होता है POS का फुल फॉर्म, इन एसोसिएशन विथ पे नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ट्रांसफॉर्म स्मार्टफोन्स इंटू मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है। तो पे नियर बाई के साथ किया है, ताकि क्या किया जा सके कि जो स्मार्टफोन्स हैं, जो बेसिकली हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, उस फ़ोन को ही मर्चेंट का पॉइंट ऑफ सेल बनाया जा सके। तो जैसे ही आपके सामने आए कि स्मार्टफोन को मर्चेंट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसने किया है, तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने किया है। ओके, हाँ। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PM मोदी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फाउंडेशन ऑफ 6 प्रोजेक्ट इन इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एंड लखनऊ। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और ये स्टेट वाइज है, ठीक है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, ये छः कौन सा PMOD लेड द फाउंडेशन ऑफ 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन इंदौर, ठीक है, ये क्या है, लाइट हाउस। तो जब ये 6 जगह पे ये जो फाउंडेशन रखा गया है, प्रोजेक्ट है, ये क्या है, ये लाइट हाउस के अंडर में आएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग साइड DRDO हैज़ कंडक्टेड द मेडन ट्रायल, मेडन मीन्स क्या होता है गाइज, न्यू, जो नया है समथिंग, ठीक है, ट्रायल ऑफ सहायक NG इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनसली एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ऑन दिसंबर। तो ये क्या किया गया है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन नेवी, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन बेसिकली, कि अभी एक DRDO ने एक बनाया है, मेडन ट्रायल किया है सहायक NG का। तो पहले तो आपके माइंड में वैसे ही, जैसे ही सहायक NG आए, आपको इंडियन नेवी आना चाहिए आपके माइंड में, और क्या आना चाहिए साथ में, DRDO, यही तीनों है। बाकी तो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं गाइज, ठीक है, कीज क्या है, वर्ड्स क्या है इंपॉर्टेंट, DRDO है, सहायक NG है, और इंडियन नेवी। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि सहायक NG डैश देके DRDO, फिर डैश देके इंडियन नेवी, ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो पूछा तो आपसे यही जाएगा कि सहायक एनजी किसके लिए बनाया गया है, तो इंडियन नेवी के लिए, किसने बनाया है तो डीआरडीओ, तो आप ऐसे लिख लोगे तो आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। बाकी तो ये तो क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं सबके अपने अपने लैंग्वेज में, ओके। तो डीआरडीओ ने बनाया है सहायक एनजी, ये क्या है, ये क्या करेगा? तो बेसिकली ये ड्रॉप एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, ठीक है, और ये इंडिजेनस है क्योंकि डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे नाव है इंडियन नेवी का, कहीं पे कोई सामान घट गया है, ठीक है, तो अब वापस से तो ये बोट, ये शिप नहीं जाएगा ना कोस्टल एरिया के साइड, नहीं, तो क्या किया जाएगा, एयर ड्रॉपेबल होगा, यहाँ पे एक लाइक हेलीकॉप्टर आएगा और यहाँ से ये सामान को नीचे गिराया जाएगा, तो यही है ये सहायक एनजी, ठीक है। और ये किसके लिए बनाया गया है, इंडियन नेवी के लिए, किसने बनाया है, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट देखते हैं, सो विच कंट्रीज एमओयू विथ इंडियन गवर्नमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है, गॉट अप्रूव्ड बाई द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द पीएम मोदी ऑन दिसंबर 2020, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भूटान, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, ये जो आउटर स्पेस होता है ये पीसफुल यूज, मतलब कि अगर ये मेरा एरिया है, आपको पता है एयर में भी, हम लोग के स्काई में भी सबका अपना अपना पार्ट डिवाइडेड है, जैसे इंडिया के ऊपर का एरिया तो ऑब्वियसली बात है इंडिया का होगा ना, किसी और का तो होगा नहीं, तो इंडिया और भूटान ने ये पार्टी ये किया है, कोऑपरेशन किया है कि अपने आउटर स्पेस को म्यूचुअली यूज कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, भूटान, ठीक है गाइज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज शाम में भी हम लोग ये सेशन फिर से ला सकते हैं या फिर कल मॉर्निंग में, और प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और प्लीज़ गाइज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ओके, थैंक यू गाइज, बाय।